फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर आमिर खान को मिला नुकसान की भरपाई करने का एक नया रास्ता। फिल्म फ्लॉप होने पर भी बची आमिर खान की इज्जत। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भूल भुलैया, द कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई काठियावाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ी फिल्म लाल सिंह चड्ढा। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा को भारत में दर्शकों ने नकार दिया है, लेकिन इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। 13 दिन पहले रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा भारत में केवल 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई है, जबकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म $7.5 मिलियन यानी करीब 59 करोड़ रुपए कमा चुकी है। कमाई के हिसाब से लाल सिंह चड्ढा इस साल की विदेशी बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। आमिर की फिल्म ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भूल भुलैया, द कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई काठियावाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर गंगूबाई काठियावाड़ी ने $7.47 मिलियन यानी करीबन 59 करोड़ रुपए कमाए थे। भूल भुलैया ने $5.88 मिलियन यानी कि लगभग 46 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं द कश्मीर फाइल्स ने $5.7 मिलियन यानी कि करीब 45 करोड़ की कमाई की है। जबकि महज कुछ दिनों में ही आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 59 करोड़ रुपए कमा चुकी है। हालांकि अगर भारत में इस फिल्म की बात करें तो भारत में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट चुकी है। पहले दिन फिल्म की कमाई लगभग 11 करोड़ थी, दूसरे दिन 7 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 7, छठे दिन 2, सातवें दिन लगभग 1.5 करोड़, आठवें दिन भी करीब 1.5 करोड़ और नौवें दिन इस फिल्म ने 1.25 करोड़ की कमाई की। दसवें दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ कमाए, 11वें दिन 2 करोड़, 12वें दिन फिल्म ने 70 लाख कमाए, तो 13वें दिन फिल्म ने महज 65 लाख का कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.09 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वहीं ग्लोबल मार्केट में फिल्म का कलेक्शन 59 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड करीब 116 करोड़ रुपए कमाए हैं। लाल सिंह चड्ढा का बजट 180 करोड़ है। फिल्म को लॉस से बचने के लिए अभी 64 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा अब और 64 करोड़ रुपए कमा पाएगी या फिर नहीं? आखिर भारत में लाल सिंह चड्ढा के पिटने की वजह क्या थी? क्या आमिर खान और उनकी पत्नी का विवादित बयान ही उनकी फिल्म के लिए घातक साबित हुआ? और क्या विदेशों में वाकई में लोग आमिर खान की फिल्म को पसंद कर रहे हैं या फिर इसमें भी कोई बड़ी साजिश है? इसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें।